कौन है आप? बिना दैत्य गुरु की अनुमति के आपने यहाँ प्रवेश करने का दुस्साहस कैसे किया? इस प्रकार प्रश्न पूछने के स्थान पर पहले ये बताओ कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य कहाँ हैं? आगंतुक, हम असुर हैं, किसी के उच्च स्वर से भयभीत न होकर प्रहार करते हैं। शीघ्र अपना परिचय दो, अन्यथा हमारे भयानक प्रहार तुम्हें जीवित न छोड़ेंगे। जो व्यक्ति शनि देव का आदर नहीं करता वो भयानक दुर्दशा को प्राप्त होता है। शुक्राचार्य। शनिदेव, आप यहाँ हमारे आश्रम पर? आओ शुक्राचार्य, आओ। क्या आपने सूर्यदेव और देवताओं का साथ छोड़ दिया है? शनिदेव ने कभी किसी का साथ दिया ही नहीं, तो वो छोड़ेंगे क्या? शुक्राचार्य, मुझे स्वयं की विनाशक शक्ति पर उन देवताओं से अधिक विश्वास है। वो तो महासम्मेलन में आपके साहस ने शनि देव को प्रसन्न किया, इसी कारण मैं स्वयं यहाँ चला आया। उत्तम, अति उत्तम, आपका स्वागत है शनि देव। आपके शुक्राचार्य आश्रम आगमन को दैत्यों के पक्ष में आना समझूं? नहीं दैत्य गुरु, नहीं, दैत्यों के पक्ष में नहीं, अपितु शनि देव यहाँ दैत्य जाति को अपनी कृपा प्रदान करने पधारे हैं। इतने पर भी देवता आपके शत्रु हो जाएंगे शनि देव। देवता दुष्ट, ढोंगी और बहरूपीय हैं। उनके छल कपट से आपको सावधान रहना होगा शनि देव। मेरे हित की चिंता में आप मेरा मूल्यवान समय व्यर्थ ना करें शुक्राचार्य। मैं राहु से कह आया हूँ कि शनि देव के शत्रु स्वयं शनि देव से सावधान रहते हैं। क्या दैत्यों के सेनापति राहु से आपकी भेंट हो गई है? राहु ने ही मुझे आपसे मिलने और देवताओं के छल कपट से सावधान रहने का परामर्श दिया था, किंतु उस मूत को शनि देव की ढैया और साढ़े साथी चाल का तनिक भी अनुमान नहीं कि हर जीव को जीवन में कुछ समय शनि देव की इच्छा से बिताना पड़ता है। हम आपकी परम विनाशक शक्ति से परिचित हैं शनि देव। आपकी कृपा से महान असुर साम्राज्य की कल्पना सत्य सिद्ध होगी। पाताल लोक में पड़े असुर अपना योग्य स्थान प्राप्त करेंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि हम असुरों के आराध्य शिव की कृपा से ऐसा शुभ अवसर आया है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, असुर यदि अपनी महान साम्राज्य की कल्पना को सत्य करने के इच्छुक हैं, तो उन्हें शिव कृपा पर नहीं स्वयं की शक्ति पर विश्वास करना होगा। मेरी इसी कृपा पर ही अपने भाग्य को सहराएं कि मैं स्वयं शनि देव आप तथा असुरों पर कृपा करने यहाँ पधारा हूँ। आपकी बातों से अहंकार प्रकट हो रहा है शनिदेव। अहंकार? दैत्य गुरु शुक्राचार्य, अहंकार तो वही करेगा ना जिसके पास कुछ होगा। क्या आप इस सत्य से परिचित नहीं कि अहंकार को भी अपनी दुर्भावना की शक्ति शनिदेव से प्राप्त होती है? शुक्राचार्य, इस संसार का समस्त राग द्वेष, छल कपट, नीति अनीति कुनीति, दृष्टि कुदृष्टि, ता ईर्ष्या मुझ में ही तो आश्रय पाती है। हम इस सत्य से परिचित हैं शनिदेव। तो इस सत्य से भी परिचित हो जाए शुक्राचार्य कि विध्वंसक और विनाशक शक्ति का दूसरा नाम है शनिदेव। मैं कैसी धधकती हुई ज्वाला हूँ जो इस संसार की महान से महान शक्ति का सर्वनाश मात्र अपनी कुदृष्टि से कर सकता है। हम आपकी कुदृष्टि से
अपरिचित नहीं है शनिदेव। तो विश्वास रखे शुक्राचार्य कि समय आने पर मैं अपनी विध्वंसक विनाशक विस्फोटक भयानक और अहंकार युक्त कुदृष्टि से इस संसार को अपने चरणों में झुका कर रख दूंगा। जो भी मेरे सम्मुख आंख उठाने का दुस्साहस करेगा मैं उसका सर्वनाश कर दूंगा। हमें आपकी विध्वंसक विस्फोटक विनाशक भयानक और अहंकारी कुदृष्टि पर पूर्ण विश्वास है शनिदेव। किंतु ये किंतु परंतु का राग अलापना छोड़े शुक्राचार्य। समय आने पर मैं आप दैत्यों के आराध्य शिव शंकर को भी झुका कर रख दूंगा। तब मेरे भय से लोग मेरा जप तप व्रत और मेरी ही पूजा करने में विवश हो जाएंगे। मेरा नाम सुनकर सारा ब्रह्मांड थर 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 कांपता है। मैं शनि हूं शनि। जप तप व्रत। ओम ब्रह्म देवाय नमः। ओम ब्रह्म देवाय नमः। ओम ब्रह्म देवाय नमः। ओम ब्रह्म देवाय नमः। मैं पृथ्वी के प्रथम पुरुष महाराज मनु का पुत्र हूं। हमारे आराध्य जगदीश्वर भगवान विष्णु हैं। मेरे लिए परम पिता ब्रह्मा जी के स्थान पर जगत पालक भगवान विष्णु की आराधना करना ही उचित होगा। यदि पिताश्री वानप्रस्थ आश्रम में जाते तो संभवतः भगवान विष्णु का ही जप करते। मैं भी अपने जप तप और व्रत से भगवान विष्णु को प्रसन्न करूंगा। जय श्री हरि। 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 नारायण। जय श्री हरि। नारायण। जय श्री हरि। नारायण नारायण। जय श्री हरि। नारायण। जय श्री हरि। जय श्री हरि। नारायण। जय श्री हरि। 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 प्रियव्रत, ये तुम्हारी ही हट का परिणाम है। जो कार्य तुम्हारे पिता मनु महाराज के लिए समयानुकूल और उचित था वो तुम करने लगे। अपने निर्धारित दायित्वों से विमुख होकर आयु से पहले ही तुमने जप तप और व्रत का निर्णय ले लिया। इसी के फलस्वरूप तुम्हारा मन अस्थिर है। तुम ये तक निश्चय नहीं कर पा रहे कि तुम्हें किसकी आराधना करना उचित होगा। नारायण नारायण। स्वामी, आप किस विचार में खोए हैं? नारायण नारायण।
जगत पालक भगवान श्री विष्णु और माता महालक्ष्मी के श्री चरणों में नारद का प्रणाम। नारायण नारायण। हे भक्तवत्सल, आपकी लीला को समझना तो मेरे लिए असंभव है, किंतु आपकी कृपा से ये अनुमान अवश्य लगा सकता हूं कि आप दोनों का शून्य दृष्टि में आदान प्रदान संसार में किसी गंभीर समस्या के उत्पन्न होने का संकेत है। नारायण नारायण। समस्या संसार में नहीं, तुम्हारे मन में उत्पन्न हुई है नारद, अन्यथा तुम वैकुंठ आने का कष्ट ना करते। नारायण नारायण। प्रभु, आप दोनों के दर्शन पाना कष्ट का नहीं, परम आनंद का विषय है। देवऋषि नारद, यदि आप मात्र प्रभु के दर्शन कर परम आनंद प्राप्त करने ही पधारे हैं, तो वे तो आपको प्राप्त हो गए। अब आपको आपत्ति ना हो तो हम दोनों पुनः शून्य दृष्टि का आदान प्रदान प्रारंभ करें। नारायण नारायण। माता माता, बात यह है कि अपनी चतुराई भरी बातों का प्रयोग वहीं किया करें चतुर नारद, जहां वे चल सके। क्षमा माता क्षमा। नारद, देवी लक्ष्मी के सम्मुख तुम्हारी चतुराई तो प्रकट हो गई, अब वैकुंठ आने के कारण का उल्लेख भी कर दो। हे जगत पालक, मैं इस समय मनुपुत्र प्रीव्रत की विचलित मनोदशा देखकर आ रहा हूं। प्रभु, उसके मन की शांति का उपाय क्या है? देवऋषि नारद, आपको मनुपुत्र प्रियव्रत की इतनी अधिक चिंता क्यों हो रही है? नारायण नारायण। माता, एक भक्त का मन उद्विग्न हो तो नारद का चिंतित होना स्वाभाविक है। हम त्रिदेवों की इच्छा तो यही है नारद, कि अपनी तपस्या में प्रियव्रत का मन विचलित तथा उद्विग्न हो। प्रियव्रत ने भावना के प्रभाव में बहकर असमय वन गमन का निर्णय करके भूल की थी। नारायण नारायण, ये आप क्या कह रहे हैं त्रिलोकीनाथ? सत्य कह रहा हूं नारद। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने पृथ्वी पुनर्रचना का महत्वपूर्ण कार्य सम्राट प्रियव्रत के लिए छोड़ रखा है। प्रियव्रत को तपस्या स्थल से गृहस्थ आश्रम की ओर लौटना ही होगा। नारायण नारायण। ऐसी स्थिति में मेरे लिए क्या आज्ञा है प्रभु? उत्तम होगा, तुम स्वयं जाकर प्रियव्रत को उसके कर्तव्य का स्मरण करवाओ। नारायण नारायण। देवऋषि नारद, श्री भगवान की कृपा से आपको अपनी चतुराई दिखाने का अवसर प्राप्त हो ही गया ना? नारायण नारायण। जप तप व्रत। ओम श्री हरि विष्णु देवाय नमः। ओम श्री हरि विष्णु देवाय नमः। देवर्षि नारद प्रणाम। तुम्हारी मनोदशा देखकर ऐसा प्रतीत होता है मनुपुत्र प्रीव्रत, कि तपस्या का निर्णय तुम्हारे लिए दुखदाई सिद्ध हुआ है। हम क्षत्रिय हैं देवर्षि, लिए हुए निर्णय पर सोच विचार करने के स्थान पर उसका पालन करना हमारा धर्म है। नारायण नारायण। तुम सत्य नहीं कह रहे हो प्रीव्रत। अर्थात यदि तुम्हारे मन में दुविधा न होती तो तुम ब्रह्मा जी की आराधना प्रारंभ करके जगदीश्वर श्री विष्णु का नाम स्मरण न करते। नारायण नारायण। क्षत्रिय धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति तपस्या में अपनी उठी हुई भुजाएं नीचे कैसे कर सकता है? एक पैर पर खड़े होकर अधिक तपस्या करने का निर्णय
स्थगित कैसे कर सकता है? क्षत्रिय धर्म की दुहाई देने वाले प्रियव्रत, तुम मानो या ना मानो, तुम्हारी दुविधा और लिए हुए निर्णय का दुख तुम्हारे मुखमंडल पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। नारायण नारायण। देवर्षि, क्या आपको मेरी प्रत्येक गतिविधि का ज्ञान है? कहीं आप दूर से मेरा निरीक्षण तो नहीं कर रहे थे? नारायण नारायण, तुम मुझे प्रिय हो प्रियव्रत, तुम्हारे मन की दुविधा देखकर मुझे दुख हो रहा है। आप मेरे गुरुतुल्य हैं देवर्षि, आपकी उपस्थिति मंगल का प्रतीक मानी जाती है। कृपा करके मेरा कल्याण करें, मुझ अज्ञानी का मार्गदर्शन करें। नारायण नारायण, यदि तुम अपने कल्याण के इच्छुक हो प्रियव्रत, तो समय से पूर्व लिए गए अपने तपस्या के निर्णय को त्याग कर अपने माता पिता के समीप जाओ, उन्हें भार मुक्त करो। असंभव देवर्षि, असंभव। एक बार वन में आकर अब मैं परिवार की ओर कैसे लौट सकता हूं? आप मुझे ऐसा परामर्श न दें, मेरा स्वाभिमान मुझे लौटने की आज्ञा नहीं देता। नारायण नारायण, मेरी दुविधा समाप्त करने का कोई अन्य उपाय बताइए देवर्षि, और वो उपाय आपके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं बता सकता। मुझ पर दया करें देवर्षि, मुझ पर दया करें। वो उपाय अब मात्र परम पिता ब्रह्मा जी ही बता सकते हैं। मैं तुम्हारे लिए प्रयत्न करूंगा प्रियव्रत। नारायण नारायण। किंतु तुम भी अपने माता पिता की उद्विग्नता पर विचार करो।